नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ वाइडबैंड एफएम। वाइडबैंड एफएम के एफएम जो सिग्नल होता है उसका स्पेक्ट्रम आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो वी नो द एक्सप्रेशन फॉर वाइडबैंड एफएम। वाइडबैंड एफएम के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला था, तो एस डब्ल्यू बी एफ एम इज इक्वल टू ए सी समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जे एन बीटा कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एन एफ एम टी प्रोवाइडेड बीटा इज ग्रेटर देन 1। तो बीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो वो वाइड बैंड एफ एम का केस होता है। तो आप इसे ओपन करके लिख सकते हैं, बिकॉज ये एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है तो इसके इन्फिनिटी वैल्यूज आएंगे। तो इन्फिनिटी आएंगी इसका मतलब इन्फिनिटी साइड बैंड्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एन इज इक्वल टू 0 पुट किया है, तो उसके लिए मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा। तो एन इज इक्वल टू 0 होगा तो ए सी तो बाहर आएगा ही, एन इज इक्वल टू 0 तो जे 0 हो जाएगा, जे नॉट बीटा कॉस 2 पाई एफ सी प्लस ए 0 हो गया तो एफ सी आएगा एफ सी टी। ए सी जे नॉट बीटा कॉस 2 पाई एफ सी टी पहला टर्म हो गया, प्लस अब मैंने मान लिया कि एन इज इक्वल टू 1 तो ए सी जे 1 बीटा, ए सी जे 1 बीटा कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एन इज इक्वल टू 1 है तो एफ सी प्लस एफ एम टी ये हो गया। अब मैंने मान लिया कि एन इज इक्वल टू माइनस 1 है, एक बार प्लस 1 माना एक बार माइनस 1, तो ए सी यहाँ से ए सी आ गया माइनस जे माइनस 1 बीटा, जे माइनस 1 बीटा कॉस 2 पाई, अब एफ सी माइनस एफ एम हो जाएगा बिकॉज एन की वैल्यू माइनस 1 है, तो कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी कर सकते हैं ऐसे। सिमिलरली आपने एन इज इक्वल टू 2 लिया तो 2 के लिए ए सी जे 2 बीटा कॉस 2 पाई एफ सी प्लस 2 एफ एम हो जाएगा, ठीक। प्लस ए सी अब आपने माइनस 2 ले लिया एन इज इक्वल टू, तो जे माइनस 2 बीटा कॉस 2 पाई एफ सी माइनस 2 एफ एम टी, इसी तरीके से इन्फिनाइट तक जाएगा। आप प्लस माइनस वो टर्म्स ले सकते हैं, ये 0 करस्पॉन्ड हो गया, ठीक है। तो हमने सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे सिर्फ ये 5 टर्म्स लिए। अब आप इन्हें प्लॉट कर देना है तो प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने जो सिर्फ पॉजिटिव साइड लिया है, क्यों नेगेटिव बनाएंगे तो काफ़ी बड़ा स्पेक्ट्रम हो जाएगा, इस वजह से फॉर सिंपलिसिटी वी हैव कंसिडर ओनली द पॉजिटिव साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो पॉजिटिव साइड आपको प्लॉट करना है, तो इस टर्म को आप प्रेजेंट करेंगे तो ये किस पर जाएगा, एफ सी पर। तो एफ सी पर आपने लिया, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा एरिया होगा बेसिकली दैट इज इक्वल टू ए सी जे नॉट बीटा बाई 2। पहले आपने काफ़ी स्पेक्ट्रम प्लॉट किए हैं तो आई थिंक आइडिया होगा आपको, तो ये आ जाएगा। फिर आपको इसे ही प्लॉट करना है तो ये एफ सी प्लस एफ एम पर जाएगा, तो एफ सी प्लस एफ एम पर आपने प्लॉट किया, इसका एम्पलीट्यूड हो गया ए सी जे 1 बीटा बाई 2, ठीक है। सिमिलरली पॉजिटिव साइड में बात कर रहे हैं एफ सी प्लस 2 एफ एम, ये टर्म आ जाएगा। नेगेटिव साइड में एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम के लिए ए सी जे माइनस 1 बीटा बाई 2, ठीक है, और ये ए सी जे माइनस 2 बीटा बाई 2 एफ सी माइनस 2 एम पर, ये हो गया। तो ये स्पेक्ट्रम हो गया। यहाँ पर जो बेसल फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि जे माइनस एन एक्स इज इक्वल टू जे एन एक्स इफ एन इज इवन, और जे माइनस एन एक्स इज इक्वल टू माइनस जे एन एक्स इफ एन इज ऑड, इसे हम यूज कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम आप देख रहे हैं यहाँ पर ज्यादा है कम है, ये भी हमने बेसिकली बेसल फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसी से लिया है, बिकॉज जे नॉट बीटा इज ग्रेटर देन जे 1 बीटा ग्रेटर देन जे 2 बीटा, बताया था ये आपको प्रॉपर्टीज जब हमने बताई थी बेसल फंक्शन की, तो उसकी वजह से तो जे नॉट है वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन होता है जनरली स्टूडेंट्स को कि जे माइनस 1 है, क्योंकि हमने कहा था कि जैसे जैसे एन बढ़ेगा तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू कम होगी, जो जे बीटा है उसकी वैल्यू कम होगी, तो माइनस 1 तो और कम है 0 से, तो इसका तो ज़्यादा होना चाहिए था, तो वो नहीं होगा बेसिकली, बिकॉज यहाँ ये प्रॉपर्टी है ये सिमेट्री से फॉलो करेगा। यहाँ पर माइनस 1 है तो माइनस 1 की बात कर रहे हैं, ऑड है तो वो माइनस जे एन एक्स के बराबर होगा बेसिकली, ठीक है ना। 0 से नीचे नहीं जाएगा नेगेटिव में, वो भी पॉजिटिव साइड में होगा, ठीक है ना, वहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगी वो जे नॉट बीटा की ही होगी, तो इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। आप इसे फर्दर बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, पॉजिटिव साइड में तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर आपने प्रॉपर्टी का यूज किया तो ए सी जे माइनस 1 बीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ए सी जे 1 बीटा के, तो इसे नेगेटिव साइड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव है वो तो सेम, इवन वाले में तो सेम वही जे एन एक्स आ जाता है तो ऊपर ही आएगा ए सी जे 2 बीटा बाई 2, ठीक है ना। इसमें भी हमने पॉजिटिव साइड ही दिखाई है स्पेक्ट्रम की, तो ये क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि वाइड बैंड एफ एम कंटेन कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, एक तो कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट था और उसके बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ यू एस बी एंड एल एस बी, अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड थे इनफाइनाइट नंबर, द एक्चुअल बैंडविड्थ ऑफ वाइड बैंड इज इनफाइनाइट। अब इससे आप कहेंगे तो एक्चुअल बैंडविड्थ क्या आएगी जब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है,
तो इससे बैंडविड्थ निकालेंगे तो दैट इज इनफाइनाइट। फाइनाइट बैंडविड्थ इसके निकालने के लिए या प्रैक्टिकल बैंडविड्थ निकालने के लिए हम कार्सन रूल का यूज करते हैं जो आगे फर्दर लेक्चर में आप पढ़ेंगे। तो फॉर वाइड बैंड एफएम स्ट्रेंथ ऑफ हायर ऑर्डर साइड बैंड गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड फाइनली बिकम जीरो। तो वाइड बैंड एफएम में आप देख रहे हैं जो हायर ऑर्डर साइड बैंड्स हैं, हायर ऑर्डर साइड बैंड्स हैं वो उनकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, तो वो कम होती जाती है और आगे जीरो हो जाती है। फॉर वाइड बैंड एफएम लोअर ऑर्डर साइड बैंड्स आर सेट टू बी सिग्निफिकेंट एंड हायर ऑर्डर साइड बैंड्स आर इनसिग्निफिकेंट। तो जो ये साइड बैंड्स हैं, ये लोअर ऑर्डर साइड बैंड है, ये साइड बैंड 1 है, 2 है, 3, तो लोअर साइड बैंड है दैट आर सिग्निफिकेंट, उनमें देखने ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। हायर ऑर्डर के जाएंगे तो वो कम होता जा रहा है एम्पलीट्यूड, तो वो उतने सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम पावर की बात करते हैं, पावर ऑफ एफएम, तो पावर कैसे निकालेंगे, टोटल पावर इज इक्वल टू इनफाइनाइट साइड बैंड प्रेजेंट है तो उन्हें आप रखेंगे, हमने यहाँ पर 5 कंसीडर किए थे तो उन्हें फर्दर कंसीडर कर रहे हैं। PLSB2 प्लस PLSB1 प्लस कैरियर पावर प्लस PUSB1 प्लस PUSB2 इस तरीके से। ठीक है, तो कैरियर पावर क्या होगा, कैरियर पावर आपको कैरियर के लिए एक्सप्रेशन है, तो साइनोसॉइडल जब सिग्नल होता है तो उसमें अगर पावर निकालना है तो क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाई 2R, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाई 2 होता है, यहाँ पे R भी होता है रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है कैरियर केस में, AC J0 बीटा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन 2R करेंगे तो ये हो जाएगा AC² J0 बीटा² अपॉन 2R। ठीक है, ये PCE हो गया। USB1 की बात करते हैं, USB1 तो USB1 है वो AC J1 बीटा है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा AC J1 बीटा² बाई 2R। ऐसे ही LSB के लिए हो जाएगा USB2 और LSB2 सेम वे में। तो इन वैल्यूज को आपको पुट कर देना है, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। ठीक है, इसके बाद यहां से अगर आप देखें तो एक कॉमन टर्म आ रहा है AC² अपॉन 2R, AC² अपॉन 2R सभी कॉमन है तो उसे आपने बाहर निकाल लिया। तो यहां से J -2 बीटा² प्लस J -1 बीटा² ये टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसे अगर आप लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ n = -∞ to ∞ JN² बीटा। ठीक है, JN बीटा² बेसिकली इसके बराबर होगा। देखें आप n वेरी कर रहा है और सभी के टर्म्स स्क्वायर में आ रहे हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इस टर्म की अगर आप वैल्यू वेसल फंक्शन में जो प्रॉपर्टी थी उससे बताया था, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है ना। तो PT = क्या जाएगा, PT = AC² बाई 2R, AC² बाई 2R, ये तो 1 हो गया। तो जो कैरियर की पावर है वो आप देखें सेम वही रही है जो पहले होती थी। यहाँ पर अगर ये कैरियर है तो ये AC है अगर इसका एम्पलीट्यूड, तो इसकी पावर आप निकालेंगे तो क्या आएगी, AC² अपॉन 2R। तो मॉड्यूलेशन के बाद भी जो टोटल पावर आ रही है दैट इज AC² बाई 2R। ऐसा क्यों हो रहा है आप देख भी सकते हैं, ये नॉर्मल कैरियर है, दिस इज द कैरियर बिफोर मॉड्यूलेशन और ये कैरियर है आफ्टर मॉड्यूलेशन। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें एम्पलीट्यूड में कोई चेंज आ रहा है क्या, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड था वही सेम एम्पलीट्यूड है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो पावर भी चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आता है तो उसके हिसाब से पावर में वेरिएशन आएगा। एम्पलीट्यूड में जो वेरिएशन आता था मॉड्यूलेशन इंडेक्स के हिसाब से आता था, जो आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में देखा था, तो वहां पर पावर में वेरिएशन आ रहा था। तो यहां पर अगर पावर पूछा जाता है कि एफएम के केस में पावर बताइए, तो उस केस में जो पावर है वो कैरियर का पावर जो बिफोर मॉड्यूलेशन होगा वही पावर आफ्टर मॉड्यूलेशन होगा। यहां से आप समझ पा रहे होंगे, तो आई थिंक आप पावर कैलकुलेशन कर सकते हैं फॉर एफएम, वाइड बैंड एफएम, और आप उसका स्पेक्ट्रम भी प्लॉट कर सकते हैं आसानी से। ये सब आपको समझ में आया होगा आई थिंक। थैंक यू।